नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। पहलवान सागर हत्याकांड में सुशील कुमार अब मंडोली जेल में है और उसे अपनी जान का खतरा हर समय नजर आ रहा है। भावुक भी हो रहा है, रो भी रहा है। इस बीच जेल प्रशासन ने जब घर वालों से बात करने की व्यवस्था की और घर पे वो फोन किया तो रोने लगा। एक महीने से यानी 4 मई को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो घर वालों से बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि भागे भागे फिर रहा था। जेल के नियम के अनुसार मिलाई की भी व्यवस्था होती है और बात कराने की भी होती है। चूँकि कोरोना का दौर है, इसमें मिलाई नहीं हो पा रही है, इसलिए ऑप्शन दिया गया कि तुम चाहो तो फ़ोन से बात कर सकते हो। लिहाजा उसने फ़ोन किया और फ़ोन करके रोने लगा। यानी कहीं ना कहीं उसे लग रहा है कि बहुत गलत फंस गया है। दरअसल सुशील कुमार दोहरा फंसा हुआ है। एक तो उसे इस बात का अफसोस हो रहा है कि मर्डर का चार्ज है और ये लंबा चलेगा, इसमें उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। दूसरा, इससे भी बड़ा जो डर है उसे काला जठेड़ी गिरोह से डर है, क्योंकि जो सोनू महाल है जिसको उसने पीटा है वो उसका काला जठेड़ी का भांजा है और काला जठेड़ी के साथ मिल करके कभी इसने प्रॉपर्टी पे कब्जे और उसमें कमीशन की वसूली कर चुका है सुशील कुमार। तो सुशील कुमार को पता है कि काला जठेड़ी गिरोह कितना खतरनाक है और उसमें 100 से भी ज़्यादा बदमाश बताए जाते हैं। फिलहाल वो दुबई में बताया जाता है काला जठेड़ी, और यहाँ पे जो उसके गिरोह देखता है वो सोनू महाल है और बिश्नोई है, और ये बिश्नोई वही है जिसने कभी सलमान खान के लिए सुपारी दे दिया था नेहरा को, और नेहरा पहुंच भी गया था मुंबई लेकिन अटैक नहीं कर पाया था क्योंकि सलमान खान का जो सुरक्षा घेरा है वो काफ़ी मजबूत था और इसी बीच नेहरा हरियाणा से गिरफ्तार हो गया था। तो ये सुशील कुमार गलती कर बैठे हैं। अब जो पर्दे के पीछे से कोशिश चल रही है वो ये कि किसी तरीके से काला जठेड़ी गिरोह से समझौता हो जाए, इसके लिए बातचीत चल रही है, लेकिन अभी वो मैच्योर नहीं हो पाया है क्योंकि जो सोनू महाल है वो एंगल उसमें आ रहा है और उसको भी बुरी तरीके से पीटा गया है। और ऐसा नहीं है कि इनको पहले से पता नहीं था, इनको पहले से पता था कि वो उसका रिश्तेदार है। इसके बावजूद इन्होंने नीरज बावनिया और असौदा गिरोह के बदमाशों के साथ मिल करके उसकी भी पिटाई की। यहाँ पे मामला फंसा हुआ है, इसीलिए वो जेल जाने से डर भी रहे थे। जब अदालत में पेशी हुई थी और जुडिशियल रिमांड दिया जा रहा था तब वो ये कह रहा था सुशील कि मैं पुलिस कस्टडी में ही रहना चाहता हूँ, जेल नहीं जाना चाहता। फिर बात जानकारी में आई कि जेल जाने से इसलिए डर रहा है, काला जठेड़ी गिरोह के बदमाश वहाँ पे भी है और उससे जान का खतरा, अभी समझौता हो नहीं पाया है, यही वजह है कि सुशील डरा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो करना था कर चुके, और इसी बहाने सुशील कुमार की सारी कारस्तानियाँ बाहर आ रही है, मीडिया में आ रही है, तो करियर तो बर्बाद हो ही चुका। अब सुशील कुमार एक विलेन के रूप में दिख रहे हैं। समझौता कर लें और इस केस को किसी तरीके से अपने हिसाब से निपटा लें वो एक अलग बात है, हालांकि कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। 302 के मामले में इसकी इजाज़त नहीं होती है कि इसको आप कमज़ोर करते हो गवाहों को मिला करके, अपने और दूसरे पक्ष को मिला करके, सिर्फ केस को कमज़ोर किया जा सकता है इसमें समझौता करके और अदालत में दाखिल नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के जो हीनियस क्राइम होते हैं वो राज्य के प्रति होते हैं। व्यक्ति के साथ तो होता ही है, राज्य के प्रति होता है और राज्य की जिम्मेदारी होती है उस मुकदमे को लड़ना और अपराधी को सजा दिलाना। तब देखते हैं कि सुशील कुमार क्या करते हैं, क्योंकि अब तो कानूनी दाव पे शुरू हो गया है, इसमें रोने धोने से काम नहीं चलेगा, जो किए हैं वो भुगतना पड़ेगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।